लाहौर में पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर नौजवान को अगवा करके 30 लाख रुपए भत्ता मांग लिया। मुखवी नौजवान की वालदा की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये लाहौर में वाकया पेश आया है। लाहौर में पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर नौजवान को अगवा करके 30 लाख रुपए भत्ता मांग लिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम रियाज से। वसीम, मजीद बताइएगा। ये देखें, बिल्कुल थाना हडियारा में अगवा और भत्ताखोरी का ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, जिसमें दीगर संगीन दफात भी शामिल की गई हैं। एफ आई आर के मुताबिक जो हडियारा की रिहायशी खातून नुसरा अख्तर है, उसके बेटे बिलाल को जो है वो खरीदो फरोख्त के सिलसिले में घर से बाहर गया तो थाना बाटापुर में तैनात सब इंस्पेक्टर उमैर सी आर ओ ब्रांच पे तैनात कांस्टेबल फरमान ने जो नामूम साथियों के हमला गाड़ी में अगवा किया। पुलिस अधिकारों ने बिलाल को जल्लो मोड़ के गरीब क्वार्टर में जो है वो ले जाकर रखा और वहां कब्जे भेजा में रखने के बाद पुलिस अधिकारों ने इसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया और फिर घर वालों से 30 लाख रुपए भत्ता तलब किया। फिलहाल 8 घंटे के बाद घर वापस आया, जिसने अपने घर वालों को तमाम वाकया से जो है वो अगवा किया, जिसके बाद जो मुगवी बिलाल है उसकी वालदा की मुदैयत में थाना हडियारा में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर उमैर कांस्टेबल फरमान और नामजद मुलजमान के खिलाफ ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है इस पर मजीद कार्रवाई की जा रही है, जल्द इनको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और महकमा कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया वसीम।